राज्य के बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुख्यालय के कंट्रोलर में 3 कर्मचारी और पदाधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद बीएयू प्रशासन ने मुख्यालय को सील कर 2 दिनों के लिए इसे बंद कर दिया। जायजा लिया हमारे संवाददाता शहनवाज ने। कोरोना वायरस का कहर जारी है। रांची के प्रतिष्ठित बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मुख्यालय में, मुख्यालय के कंट्रोलर ऑफिस में एक साथ 3 कर्मचारी और पदाधिकारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। लिहाजा इस पूरे मुख्यालय को, जहां वाइस चांसलर, कंट्रोलर आदि बैठते हैं, उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है और तमाम अधिकारी और कर्मचारियों को 2 दिनों के लिए छुट्टी पर भेज दिया गया है। बिल्डिंग को सैनिटाइज करने की ज़रूरत होगी। सैनिटाइजेशन के बाद फिर मुख्यालय 2 दिन के बाद ये फैसला करेगा कि आगे इस मुख्यालय में कामकाज चलना है या नहीं। फिलहाल बीएयू में एक रहस्यमय सन्नाटा छाया हुआ है। बिल्डिंग है नाम मुख्यालय। अच्छा, बिरसा एग्रीकल्चर। तो वहाँ पर कोई नहीं है? नहीं है। आप लोगों को क्या कहा गया है? कुलपति का आदेश है कि किसी को जाने नहीं देना है। आपको दिखाया कि बीएयू के मुख्यालय को किस लिए सील कर दिया गया है? एक साथ कंट्रोलर ऑफिस के पदाधिकारी और कर्मचारी, एक साथ 3 संक्रमित पाए गए हैं। बाकायदा इस बात की सूचना प्रचार माध्यमों से जनता तक पहले ही पहुंचाई जा चुकी है, कई घंटे हो चुके हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि उसी बीएयू के मुख्य द्वार से लोग बड़ी संख्या में बिना मास्क के निकल रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई खास बात नहीं, बिल्कुल सामान्य घटना है। सख्ती नहीं, कोई पाबंदी नहीं, जब खुद ही इस बात का लोगों को एहसास ना हो कि वो संक्रमित हो सकते हैं, 15 दिनों के लिए क्वारंटाइन में इनको जाना पड़ेगा, उनके साथ साथ उनके परिवार के लोग भी रिस्क पर आ जाएंगे, तो आखिर समझाने और समझने की क्या बात है? यहाँ पर क्या करेंगे? सही बात है, मुँह से नहीं बोल सकते हैं, फाइन नहीं कर सकते हैं। फाइन करने का अधिकार नहीं है, फाइन करने वाला हम लोग पुलिस नहीं है, हम लोग बिरसा का है। तो आप क्या देख रहे हैं, लोग आना जाना कर रहे हैं बिना मास्क आ रहे हैं? जैसे हम लोग बोलते हैं कि मास्क लगा के घुसिए, तो बोल ही नहीं सकते हैं। लोगों के अंदर खुद ही इस बात का एहसास नहीं है कि वो संक्रमित हो जाएंगे, उनके परिवार खतरे में पड़ जाएंगे, तो फिर आप क्या कह सकते हैं? और शायद यही कारण है कि सेकंड वेव इतनी तेजी के साथ ऊपर बढ़ रही है। अब धीरे धीरे शिक्षण संस्थाओं को पूरी तरह से शट डाउन होने की बारी फिर से आ गई है, ऐसा लगता है। फिलहाल अपने कैमरा में सहयोगी अरविंद के साथ रांची में कोरोना।